ये तो एक मानवता के ऊपर शर्मसार वाली बात है। एक जो औरत है वो कहीं पे मर गई, उसके बाद उसकी नंगी लाश को यहाँ पर लाया जाता है बिना किसी कफन के, बिना किसी उसके, आपने खुद देखा है उसके मांस के टुकड़े किस तरह से बिखरे पड़े थे। अगर कोई इसको उठाएगा तो मान लो किस तरीके से उठाएगा यहाँ पर, ना तो कोई हमारे पास नगर परिषद का आदमी होता है, हमारे पास सिर्फ सेवादार होते हैं। मैं अजय देखो जी, मैंने पता नहीं यार न्यूज चलानी चाहिए नहीं चलानी चाहिए, लेकिन यार न्यूज चलानी चाहिए क्योंकि सत्य यो है, जीवन यहाँ पे आके इंसान का पूरा हुआ है भाई। वो किसी के चार कंध पा जाए है, परिवार का हो या कोई भगवान की मृत्यु मरिया हो या कोई भाई वो किसी तरह आने का काम हो जाए है भाई, एक हाथ से हो जाते हैं और वो घर वाले नहीं ढूंढ पाते तो उनको बोल दिया जाता लावारिस। अब लावारिस डेड बॉडी हो या वहाँ कोई परिवार की डेड बॉडी हो, बस सबका धर्म और कर्म ये बनाया कि जहाँ पे भी डेड बॉडी जाती अर्थ जाती हो ना, हम हिंदू धर्म में हम उसको नमन करते हैं कि प्रभु आपको प्रभु के चरण में शरण मिले और आपकी आत्मा को शांति मिले। ये सभी चाहते हैं जी, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्म यो एक है कि जो भी डेड बॉडी हो वो जाएगी गुजरेगी तो हम उसको नमन करने का काम करते हैं कि मालिक आपको स्वर्ग के अंदर जगह मिले। लेकिन आज एक समस्या है और वह समस्या बड़ी गंभीर है। अब कितने भी चेहरे हैं, ये इनका परिवार भी है, ये व्यक्ति भी है, इनका सब चीज है, लेकिन दुर्भाग्य ये है प्रशासन की लापरवाही कहूँ या डिपार्टमेंट की लापरवाही कहूँ या किसकी लापरवाही कहूँ, सिर्फ उसकी लापरवाही है या लावारिस डेड बॉडी आई हुई है। अब कहाँ से आई है ये बात तो अगले बताने का काम करेंगे, लेकिन सही मायने में मैं ऑन द रिकॉर्डिंग वो डेड बॉडी आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वो डेड बॉडी खुली पड़ी है बॉडी के अंदर। तो भाई साहब नमस्कार, प्रणाम जी, नमस्कार, बताएं प्रधान जी किस तरह की सेवा है, किस तरह सेवा करो, किस इसका आपका बीच का माध्यम बनो। आगे जाना दो, लावारिस बॉडियां जो आती हैं, हाँ जी, वो संस्कार यहाँ पे होते हैं उनके, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई सही इंतजाम नहीं है, खुली बॉडी आती है, हॉस्पिटल वाले पैक करके नहीं देते, और इस बॉडी के साथ तो जो जिम्मेवार ऑफिसर है वो आया ही नहीं है। अच्छा, हाँ, मोस्टली बॉडी जो आती है वो सारी की सारी ओपन है। ये बॉडी कहाँ से आई है? सिविल हॉस्पिटल से बॉडी आई है और गुजरानी चौकी के गुजरानी चौकी से एरिया का क्षेत्र का है और सिविल हॉस्पिटल से बॉडी आई नहर की डूबी हुई है, नहर के अंदर पानी डूबी हुई बॉडी है, लावारिस हुई। हाँ जी, लावारिस है, इसकी शिनाख्त नहीं हुई, 72 घंटे हो लिए। अच्छा, तो अब इसको दाह संस्कार किया जाएगा। अपने हिंदू धर्म प्रधान जी एक बात है, देखो ये तो कुछ प्रधान नहीं, कुछ नहीं, ये सब सभी ने आना है, दो दिन पहले आ जाओगे तो बाद में आ जाए, आना सभी नहीं यहाँ पे, लेकिन एक वो होता है जी, एक क्रिया का वो एक वो बनाया जाता था जो हमें हिंदू धर्म में बनाया होता है कि पिंड दान हुए हैं वो सारे काम आप लोग करने को तैयार हो, सब करते हैं, करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अगर प्रशासन थोड़ा जागरूक हो जाए, अगर इसकी थोड़ी सी व्यवस्था बना के दे दे तो ना तो ये पिंड है ना किन बात हो, खुली बॉडी आती है, फिर इसमें जब हाथ लगावा तो भी मनमाने संक्रमण हो जाए और हो जाए तो ये भी दिक्कत है। नगर परिषद का कोई बंदा ही नहीं आता। अच्छा, अब इसमें तारे सामने है, कोई पुलिस वाला भी नहीं है, एक होमगार्ड को भेज दिया यहाँ पे। अच्छा, होमगार्ड का जमाना आया। हाँ, होमगार्ड का जमाना तो आया। जिस प्रकार से आप डेड बॉडी का समय वो करेंगे क्या संस्कार करेंगे तो उसका कोई आपको चार्ज मिलता है या सेवा है आपके लोगों की? हमारी तो सेवा ही है, बाकी जो रामबाग को है वो मिलते हैं पैसे लकड़ियों। अच्छा, रामबाग को लकड़ी मिलते हैं, बाकी किसी और को मिलते हैं? नहीं, और कोई नहीं, सबकी सेवा, सब सेवा में, चाहे पुलिस की हो चाहे वो देने वाले हो, पुलिस वाले की ड्यूटी है, हम सेवा करते हैं। सर, इसके पेमेंट जो भी है सर 1200 रुपए मिलते हैं लकड़ी के। अच्छा, वो भी हाफ लकड़ी के पैसे मिलते हैं। अच्छा, यहाँ के प्रधान है जैन साहब, यहाँ टीटू है जी इंचार्ज, सभी सेवादार है सर, रामबाग मंदिर कमेटी की तरफ से इनकी पूरी सेवा की जाती है। हम तो सिर्फ हाथ जो से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो भी बॉडी आए सर वो तरीके से आए सर, हर एक का काम सामूहिक काम है सर, यहाँ लोग सेवा करते हैं, सिर्फ हमारी प्रशासन ये गुंजाइश है कि जो भी बॉडी आए सर उसको सही ढंग से दे के आए ताकि उसका संस्कार हम भी तरीके से करें, इज्जत मांग के सम्मान करें। और यहाँ के जो संस्कार के बाद सर क्या होता है कि लोग जो प्रशासक होता है ना सर जी, वो तो अपना काम करके चला जाता है, उसके बाद रामबाग कमेटी जो समिति है, जो टीटू जी हमारे प्रधान है यहाँ के मंदिर के, पूरी बॉडी का हम 4 दिन बाद इसकी फूल उठाते हैं। अच्छा, फिर सर फूल इसको रखते हैं सर। अच्छा, फिर जब सर जब भी टाइम मिलता है सर हरिद्वार जाके इनको प्रोवाइड करते हैं सर, और इनके नाम का भंडारा होता है सर, रामबाग कमेटी जैन साहब हमारे प्रधान है सर जी, टीटू यहाँ का इंचार्ज है, तो नमन है साहब। नहीं सर, इनके नेतृत्व में सर ये होता है काम, हम तो पहले ऐसी आई है, पहले भी आती रहती है, आती रहती है सर। सर प्रशासन से कोई शिकायत नहीं, सिर्फ एक ही शिकायत है सर, तरीके से
बस ढंग से वो वहां को पेश कर दें ताकि जो भी कोई दाल लाश है किसी के भाई है बहन है इज्जत से उनको हम स्वीकार रिक्वेस्ट है। कोई आदमी नहीं आता, हमें चाहिए भी नहीं, हमें सिर्फ हम अपनी सेवा करने को तैयार है। हम हमारी सेवा में कोई दिक्कत नहीं है, हम कहते हैं हमारा रात को बोलेंगे, हम रात को तैयार हैं ये सेवा करने के लिए भी और सेवा के लिए भी, मगर थोड़ा तरीके से आए, हॉस्पिटल से आए चाहे कहीं चौकी से, हमें कोई मतलब नहीं है कहीं से आए, अपने कागज डॉक्यूमेंट पूरे लाएं और साथ में बॉडी को पूरा पैक करके लाएं, क्योंकि बॉडी अब 2 दिन की 10 दिन की होती है इनके पास, अब उठाएंगे उसको तो कल को डॉक्टरों के पास तो केमिकल होते हैं, वो होते हाथ धो लेंगे, अब हम तो बार बार साबुन है और उठाते टाइम भी शरीर फट जाता है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसको बिल्कुल पैक करके आए तो तरीके से आए, हमारी सेवा हम करने को तैयार है, हमें कोई मना अभी मना नहीं है, आगे ही मना नहीं है, मगर थोड़ा सा तरीके से आए, तरीके से सबको सारा सामान रखा हुआ, देखो नारियल रखा हुआ, सब हमेशा गुप्त रहते हैं सर, ये कभी भी आगे नहीं आते सर, इतना काम करते हैं सर, मैं क्या बताऊं, उनके लिए कोई नारियल लाना हो, देसी की लाना हो, सामग्री लानी हो, सब ये काम करते हैं सर, सारा दिल से बताऊं सर, यहाँ बड़ी सेवा है, ये किसी का हम एहसान नहीं कर रहे, ये सर प्रभु की सेवा है, प्रभु की सेवा के नाम निमित्त है सर, वहाँ जाके लिखने अपने कर्म साफ सर, हाँ सर, सर हमारी ये गुजारिश है बस, जो भी बॉडी है सर इज्जत और मान सम्मान से आए, उसका ताकि संस्कार किया जाए, चलो जी। तो अब मैं आपको भाई ऊपर यही कर दे डेड बॉडी के दिखानी जरूरी है, पिछड़ा दूसरा या व्यवस्था से डेड बॉडी आज आई हुई है, पढ़ता रहने दे, ये देखो जी आज ये किस तरह से बॉडी उठाई जाएगी और किस तरह से इस बॉडी का आज दाह संस्कार किया जा सकता है, अगर इसकी पोस्टमार्टम हुई है तो ठीक है, अगर नहीं हुई है तो ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद में उनका फर्ज बनता है इसकी, इसको इसको पैक तो कर दे ताकि ये उठाने में दिक्कत ना हो, और ये सेवादार है, अब इनके पास ना तो किट की व्यवस्था है ना किसी और चीज की व्यवस्था है, अब ये जिस तरह घर के कपड़े में आते हैं उसी प्रकार से सेवा करने आते हैं, लेकिन सेवा करेंगे किस तरह, कुछ भी हो सकता है, अब हमारे छोटे बच्चे हैं, कल को बाई चांस कोई हमारे केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है, बाकी केमिकल ही हमें जरूरत नहीं है, मगर केमिकल ये देखो ना, हम खाएं कैसे किसको, अब उठाते टाइम ये बॉडी कोई भी हो फट सकती है, ये खाल जो हमारी गल जाती है, तो अपने प्रशासन को इससे पहले भी सचेत करवाया है, पहले भी बॉडी आई थी, जब भी उनको बताया था, 2-3 बार बता चुके हैं, 4 बार बता चुके हैं, बार बार यही काम हो रहा है, डीटपना है, कुछ भी कह सकते हो जिसको, कुछ भी कह सकते हो जी, तो आपने किसी अधिकारी को जो बुझा नहीं कि इसका इसका कारण क्या है कि आप लोग ये नुक भेज दो हो, ऐसे जी अभी भी गाड़ी आपके आगे आई हुई है, इनके साथ कोई नहीं आया हुआ, अब एक बंदा आया जी, उनको क्या कहे, वो कह रहे हमें मालूम नहीं है, अब किसके मालूम किसको है जी, तो ये जो नहर में डूब के सीधी बॉडी आई है या हॉस्पिटल में गई, हॉस्पिटल से लेके आए, ये जो ड्राइवर साहब लेके आए हैं बता रहे हैं, ड्राइवर साहब वहां बैठे, आ जाओ जी, क्योंकि बुझना जरूरी है जी, कल को नून आओ, है नहीं, कल को नून आओ जाएगी, आधी अधूरी बात बताने का काम किया, वैसे नमस्कार, आप चौकी से हैं हॉस्पिटल से हैं, तो एमटी से हूं, मतलब एमटी 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 से पुलिस लाइन से हम, तो जो बॉडी आई है हॉस्पिटल आई है या किसी दिन नहर को पर ले आए हो, या हॉस्पिटल में आई जी पोस्टमार्टम, तो अच्छा पोस्टमार्टम ओके आई है, हां जी, तो या हॉस्पिटल में कब गई थी बॉडी, इस बात का मुझे इस बात को पता नहीं है, वहां तो जी खाली गाड़ी है, आप आगे प्लीज, 3 दिन पहले गई थी, अच्छा वहाँ से तो जी खाली गाड़ी आओ जी, वो वैसे इमरजेंसी कोई काम हो ऐसे लेन ले जाने का, अच्छा, तो ड्राइवर है जिस बात का मेरा, यानी आप ये बॉडी हॉस्पिटल के अंदर से लेके आए हैं, हाँ अंदर से लेके आए, हम तो वहाँ गाड़ी ले आ दी यार, हमको बोले थोड़ा ले जाए गाड़ी खड़ी कर दे, हम खड़ी कर दी, तो सर आपका नाम क्या, नाम तो संदीप है जी, संदीप भाई आपने कभी टोका नहीं कि इस तरह से शहर के अंदर से लेके जाऊँ तो किस तरह क्या क्या एक मैसेज जाएगा किस तरह से, वो तो जी आईयो है वो देखे जी, हमने इस बात का क्यों रहा, हमने तो खाली गाड़ी बुलाई जी, हम तो गाड़ी का ही काम कर सके, तो इस बॉडी को कितने बंदे ला के रखा होगा वहाँ पे हॉस्पिटल से, मैं तो जी गाड़ी ला के साइड में चल गया था, मेरे को नहीं पता जी, तो आईओ साहब आए हैं, आईओ साहब से संपर्क हाँ लग रहे हैं, चलो जी अब आईओ साहब आए को नहीं है, लेकिन आईओ साहब आने के बाद में अब पता चलेगा काम होगा, और मैं उस तकरीबन कितने कदम दूर खड़े हूँ, लेकिन वह बदबू अड़ तक भी आने लग रही है, यानी शरीर का चक्कर को ना जाएगा, चक्कर आ जाएगा, वो चक्कर जैसी माल है, लेकिन इनको नमन है, इनकी सेवा को नमन है, इनकी जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता पृथ्वी के ऊपर, या आज उसका बिल्कुल विधि विधान से आज ये दाह संस्कार करने का काम करेंगे, तो नर सेवा नारायण सेवा, उन्होंने बताया कि लेडीज बॉडी है और नंगी बॉडी दे रखी है,
जी इसी संस्था ने, इसी ट्रस्ट के लोगों ने अब जो जिन्होंने डेड बॉडी का दाह संस्कार किया उनकी आइयो सब बुला लिए। उधर तो किसाई है, नमस्कार सर। ये किस तरह से डेड बॉडी आपको मिली थी, किस तरह किस ये जी 29 तारीख की बात है। उस दिन हमारे पास जो कनालगढ़ नहरी ऊपर उसका फोन आया, अब ऐसे ऐसे चायंग मिथा तलपुर संजोग नहर के ऊपर इसके साथ में डेड बॉडी लगी हुई है। तो सूचना मिलने में हम पहुंच गए जी। इस बॉडी के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था, इसके सिर पे बरा लगी हुई थी। जो हमने फिर वहाँ पर सरकारी गाड़ी बुला ली लाने खातर, गांव से दो व्यक्ति अपने बुलाए गए ने, उनको जी खर्चा पानी देकर साथ में हमने लेके नया बॉडी निकाल ली, निकाल के जी अपने हॉस्पिटल में रख दी। 30 तारीख को इसका पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम होने वाले शनाख्त के देते 48 घंटे के लिए अपने मोर्चरी में रखवाई थी, जो आज वो टाइम पूरा होने पर इसका दाह संस्कार करवाना। तो आपने कहा नहीं पोस्टमार्टम करने वालों डॉक्टरों से, उनकी टीम से, कि इस डेड बॉडी को ऐसी तरह पैक करके दो कि बाजार से अंदर से लेते जाते वक्त इसकी कोई गुंडा ना दिखे। सुनो जी, वो ऐसे है जिस टाइम पोस्टमार्टम होता है जी, उस टाइम पर अगर मान लो कपड़े भी उन्होंने भी कराए जाते हैं, ये फ्रीज में लगा रखी थी, फ्रीज में लगाए उस टाइम पर जिसको कपड़ा कपड़ा नहीं लगता। जो आज ये बॉडी भेजी है ये जी जो कर्मचारी हैं फोर्थ क्लास जीएस वाले, उन चीजें अपने तरीका सिर्फ पैक करके देनी होती है। वो उन्होंने जी मान ली इस चीज का वो करके ना यार नोगी ट्रैली में रख दिया, दाह संस्कार करना है, इसका दाह संस्कार हो जाएगा। लेकिन आई साहब राजपाल भाई साहब, इसका दाह संस्कार किस तरह होगा, ये खुली बैठे थी और इसके टुकड़े बाहर पड़े हुए थे। इसका दाह संस्कार जी हम कराएंगे, अगर जब कोई आदमी आता हम अपने ग्लाउज लेके, मैं दो भाइयों और लेके आया हूँ जी, इनकी जो भी दहाड़ी मजदूरी लगाई मैं दूंगा। ये जी इंसान की बॉडी है, इसको ऐसे तो सही नहीं खराब करेंगे। इंसान की बॉडी के नाते वहां से अपनी पूरी सुरक्षित करके ले आते हैं। आप लोग आए को नहीं, आप लोग आए को नहीं, आपका होमगार्ड का जमाना हो रहा है। ऐसे जी ऐसे बात सुनो, होमगार्ड का जमाना आ रहा है जी। होमगार्ड के जवान को मैंने जो यहाँ की अपने रामबाग की पर्ची कटती है उसका पैसा दे के वहां से उनसे बात करके बोला जी हम बॉडी को रखवा देंगे, यहाँ बॉडी उतार लेते हैं। मैं एक 10 साल पहले सीटी ना करवा के कहा था बॉडी आएगी मेरे, बोले जी आप बैठ जाओ हमारे सारे कर्मचारी आप काम करेंगे। सुनो हाँ तो कर रहे हैं जी। तो मेरा इसके पास फोन लगा इस थी, बोला जी आपको बुला रहे हैं मेरे आड़े कुंड से भाई से बात, बोला जी ऐसे ऐसे पहले भी एक बॉडी आई थी माँ जी, देखो इसी से कहा था हम भी करांगे और आप भी करना। देखो जी तो मानते नहीं चूक है कहीं ना कहीं, देखो जी डेड बॉडी को इस तरह यहाँ पे। सुनो सर एक चूक तो जी ऐसे देखो हमारी तो इसमें चूक नहीं है, जो मान लिया अपने हॉस्पिटल फोर्थ क्लास लेके रहा है या तो जी उसकी भी सोचनी चाहिए इंसान की बॉडी, इसका थोड़ा कपड़ा लगाए। अच्छा जी कपड़े के लिए भी हम मना नहीं करते, चाहे हमारे घर से लगा, हम सर उन्होंने मानना भाई धर्म का काम है, दो पैसे घर से लगा देते हैं।
आज भी इसके ऊपर जो लगन लग रहे हैं जी 2000 रुपए तो नहर से कटवाई। ये तो धर्म का कर्म का इंसान का फर्ज है जो इंसान के है, मतलब ड्यूटी तौर की बात पूछ रहा हूँ कि अगर ये सिस्टम से आती तो लगता नहीं कि इनको दास संस्कार करने में दिक्कत नहीं होती। सुनो सर, देखो मेरे पास इसके ये अपना जवान भेजा था ने, ना तो इसने नो कहा भाई ये नो की नोटे करी है, ना उन्होंने नो बताया जी हमारे पास कपड़ा नहीं, अगर जो कपड़ा अगर वो हमारे से कपड़ा मांगते थे तो हम कपड़ा ही उनके आगे, तो देख लो जो इनके जवान आए थे बॉडी को देखते ही उल्टिया करने लग गए थे, ठीक है, आपके आगे मीडिया के आगे उल्टिया करने लग गए थे। हम ये सेवा करते हैं, हम करने को दिन रात भी तैयार है, इसके बाद हमारे को कोर्ट की तारीख भी भुगतनी पड़ती है। अच्छा। हमारा पूरा पूरा दिन कोर्ट में खराब करवाते हैं कि भाई यहाँ पर बॉडी आई थी, तुम इसको वेरीफाई करके आओ कोर्ट में। हमारी इसके लिए क्या जिम्मेवारी, मतलब हमारे को तो हर तरीके से फंसाया जा रहा है। अच्छा, ठीक है, तो आज की जो बॉडी आई है वो कितनी इस तरह आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, ये तो एक मानवता के ऊपर शर्मसार वाली बात है। एक जो औरत है वो कहीं पे मर गई, उसके बाद उसकी नंगी लाश को यहाँ पर लाया जाता है बिना किसी कफन के, बिना किसी उसके, आपने खुद देखा है उसके मांस के टुकड़े किस तरह से बिखरे पड़े थे। अगर कोई इसको उठाएगा तो मान लो किस तरीके से उठाएगा यहाँ पर, ना तो कोई हमारे पास नगर परिषद का आदमी होता है, हमारे पास सिर्फ सेवादार होते हैं, ठीक है, और सारे घर परिवार वाले हैं, फिर भी वो सेवा करने के लिए चुकते हैं, लेकिन उसको पैक करके अच्छी तरीके से लाया जाए हम करने के लिए तैयार है। इस बात से हम भी सहमत हैं, इस बात से हम भी सहमत हैं जी। देखो बॉडी चाहे औरत की हो चाहे जेंट्स की हो, ठीक है जी, इसको कोई उसका जिस ये बॉडी जी जैसे है ना, जिस हालत में हमने मिली थी ये उसी हालत में है। इसके ऊपर कपड़ा उस दिन भी नहीं था जिस दिन मेरे नहरों में बहती आ रही थी, और इसके ऊपर कपड़ा आज। चलो जी, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे इंसान था शर्मसार, चाहे वह किसी कर्मचारी के रूप में है, चाहे वह किसी अधिकारी के रूप में है, चाहे किसी और व्यक्ति के रूप में है, लेकिन आज इनकी सेवा दिखी भी रही और कहीं ना कहीं उसको मुक्ति का काम किया भी गया वो विधि विधान के साथ में। तो लीजिए, आपको भी नमन है और आपको भी नमन है कि इस तरह के काम करने के लिए जिगरा चाहिए और हिम्मत चाहिए। देखो सर, ऐसे है नमन तो जी, हम तो नजदीक के नहीं आवा था। एक मिनट, ये भाई उस दिन भी मेरे साथ था, इनको पूछे ये एक बंदा महा भाई, दो बंदे को लिया, वो आते बोले बोला 2000 रुपया लगे पेमेंट कौन करा, मैं करूँगा भाई बोडियो निकलवा लो, ये मेरे साथ में था, मैं ले गया ये ले गया, पब्लिक तमाशा देख रही है, किसी ने हाथ नहीं लगाया इसके। हमने दोनों वानर दो बंदे उनको गोद से 2000 रुपये दे के महा भाई दो कौन से 3 लाख दे, इंसान का काम है स्थिति रखवा याने बाद भी जी मैंने खुद लेके ये भाई तो फ्री भाई। आज की इंसानियत और आज का अधिकारीपना और आज का कर्मचारीपना शर्मसार था। आज भी सर करने के बाद भी पता क्या किया जाता है, जो ये देख लिया जाता है कि ये लावारिस है, इसके लिए बोलने वाला कोई नहीं है, तो उसके शरीर को अगर किसी की पारिवारिक लाश होती है तो उसको पोस्टमार्टम करने के बाद उसको टक्के मार के देते हैं। अच्छा। लेकिन इसको क्या करते हैं, लावारिस लाश को पोस्टमार्टम करा, शरीर ऐसे ही खुला पड़ा, मांस सारा बाहर आ रहा है। अच्छा। ये कोई शोभा देने वाली बात है फिर उस बार हम तो देखो जी हम भी नहीं कह सकते, वो डॉक्टर किस अवस्था में टाके भरते हैं, वो तो काम है जी डॉक्टरों का, वो तो उन्हीं का है जी, वैसे इसमें टाके भरते हैं जो। अच्छा रही दूसरी बात, जैसे कफन का या कागज का अगर पैसा हमारे से मांगते हैं लावारिस है, तो हम ये कह देते हैं भाई इस पर जो लगा 200-400-500 ले पैसे ले लिया, इसको पैक करते हैं, इसको पैक करते हो इसका दाह संस्कार तरीका से, ठीक है जी, 500 खुद दे के आते हैं कफन, यहाँ से कट्टा भर के पूरा कफन का लेके जाते हैं। जैसे मेरे पास फोन आया है, एक मिनट, मेरे पास जैसे फोन आया भाई इसका हाथ नहीं लगाते, मेरे बाइक में देख ले जाता, चेयर जोड़ी ग्लाउज लेके आ इनको साथ ले, मतलब कोई हाथ ना लगा ये वापस आ रहा है, सिर्फ इस मकसद से ग्लाउज लेके आ रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन ये अधिकारियों के संज्ञान में आने वाली बात थी जो जरूरी है, अगर चाहे वो लावारिस है, चाहे वो किसी घर की है, चाहे वो किसी भी है, अगर इंसानियत है तो उसको दाह संस्कार का हम सही तरीके से कर दे तो उसकी मुक्ति सी हो जाए और उसको गति से मिल जाए, क्योंकि ये हमारा हिंदू रीति रिवाज के अंदर कहा जाता है कि दाह संस्कार सही तरीके से हो जाए तो उसको मुक्ति मिल जाती है। नहीं, जे एन सी नो से अजय नायक, दीपांशु शर्मा गया, खास रिपोर्ट।